यूपी में कोई ऐसी भी जगह है जहां बिना बिजली बिना पानी के लोग रहने को मजबूर हैं? तो आपका जवाब ना में होगा, लेकिन दिल्ली से सटे लोनी में ऐसा भी इलाका है जहां सुविधाओं का अभाव नहीं बल्कि कोई सुविधा ही नहीं है। लोनी वैसे तो गाजियाबाद जिले का हिस्सा है और दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। अगर हम कहें तो दिल्ली से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ जल वाले मंदिर के पास एक इलाका है पुष्पा गार्डन, जहां लगभग पांच से छह हजार लोग रहते हैं। यहाँ ना सड़कें हैं ना ही बिजली है। लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन बिजली ना आने की वजह से पानी भी लोगों के घरों में नहीं आता है। लोग यहाँ लगभग 10 सालों से रह रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर रो रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने इस इलाके का निरीक्षण किया तो देखा यहाँ लोग किस हालत में रहने को मजबूर हैं। बता दें कि मनीष कुमार अंकुर जैसे ही उस इलाके में पहुंचे तो वहां लोगों के हुजूम ने उन्हें घेर लिया। लोगों की इतनी भीड़ थी कि उनकी बात सुनना मुश्किल हो रहा था। वहां भीड़ में मौजूदा ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसकी कोई समस्या ना, लेकिन फिर भी हमने उन सब की परेशानी जानी और उनको कवर किया। लोगों की आंखें नम थी, लोग परेशान थे और उम्मीदों भरी नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे कैसे बिना सुविधा के रह रहे थे, यह देखकर हमारी भी आंखें भर आईं। आप भी मनीष कुमार अंकुर की यह रिपोर्ट देखें और लोगों की परेशानी दूर करने में उनके भागीदार बने। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं एक ऐसे इलाके में हूं जहां पर मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सुविधा का सेवी नहीं है। खैर, आपको अटपटी लग रही होगी मेरी बात। मैं इस वक्त में न्यू रामप्रस्थ का एरिया है, ये लोनी बॉर्डर है, यानी कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। इसको दिल्ली NCR में कहा जाता है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में आता है और यहाँ से दिल्ली का जो बॉर्डर है मात्र 5 से 7 किलोमीटर दूर है। आप देखिए कि दिल्ली के बिल्कुल पास होते हुए एरिया मूलभूत सुविधाओं से कितना ज़्यादा महरूम है। इसके अलावा मैं मूलभूत सुविधाओं के नाम पे इसके जो बेसिकली जो सुविधा यहाँ पे नहीं है वो बिजली और पानी की सुविधा नहीं है। अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक खंभे की तरफ, जो मेरे बगल में खंभा है यहाँ पर दिखाएं, और यहाँ पर जो बिजली के तार हैं बिल्कुल गुच्छे की तरह, यानी कि जैसे आप दिखाइएगा जरा, देखिए गुच्छा पूरा बना हुआ है तारों का, ऐसे लग रहा है जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये तारों का गुच्छा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बिजली के जो कनेक्शन लिए जा रहे हैं, जो लोग कनेक्शन ले रहे हैं, पैसे देकर कनेक्शन ले रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं मिल रहा है। यानी कि वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ लाइन खींच दो, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हमें सुविधाएँ दें, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा नहीं मिल रही है। मेरे बगल में, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा दिखाएं, मंदिर है, ये जलवाला मंदिर है, जलवाले मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में ये एरिया पड़ता है और यहाँ पर इस तरीके की सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, यानी कि विधायक हो गए, यहाँ पर जब वोट का समय आता है तो लोगों के घर पर हाथ जोड़ कर जाते हैं, लोगों से वोट मांगने की अपील करते हैं, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जो लोग हैं वो लोगों से वोटों की अपील किस मद में आके करते हैं, सुविधाएं देते हैं लोगों को। एक होता है ना कि वोट अगर मांग रहे हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं या फिर पार्टी का कोई कार्यकर्ता आता है यहाँ पर वोट मांगता है लोगों से, तो क्या कह के वोट लेता है, ये बहुत बड़ा सवाल है और सवालिया निशान ये सरकार के ऊपर भी है, यूपी सरकार के ऊपर, कि यहाँ पर लोगों को किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करा रही है। ना यहाँ सड़क की सुविधा है, ना यहाँ बिजली की अच्छी सी सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, इसके बावजूद भी लोगों से वोट आराम से ले लेती है। अभी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं को हम सुनवाएंगे, लोग खुद अपनी जुबानी यहाँ पर बताएंगे कि उनको किस तरीके की असुविधाएँ यहाँ पर हो रही हैं, क्या 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 सुविधाएं यहाँ पर लोगों को नहीं दी हुई हैं। खैर, सुविधा के नाम पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम आए यहाँ ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना किसी तरीके की सुविधा है। अभी लोगों से बात करेंगे और हम सुनवाएंगे कि लोगों की क्या क्या समस्या है। यहाँ देखिए बिजली के जो तार हैं बिल्कुल एकदम नीचे हैं, और थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आ गया है, यहाँ बिजली के तार इतने नीचे हैं कि मतलब अगर देखा जाए तो जो तार हैं वो मेरे सर को छू जाएंगे। अब ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा जो तार वहाँ से लाइन से आ रहे हैं, ये तार लोगों के द्वारा डाले गए हैं, यानी कि मीटर तक पहुँचाए गए हैं, यहाँ पर खंभे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खंभे नहीं हैं, कितनी हास्यप्रद बात है। आप मीटर यानी कि बिजली का बिल ले रहे हैं, खैर बहुत सारे घरों में तो अभी तक यहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है, सरकार दावा करती है कि हमने हर घर में बिजली पहुँचा दी है, लेकिन घरों में बिजली नहीं है, यानी कि दावे पूरी तरह से खोखले हैं। इसके अलावा लोगों ने अपने पैसे देकर यहाँ से तार, जो मैंने आपको जलवाला मंदिर दिखाया, वहाँ से तार डालकर अपने घरों तक ले गए हैं।
लेकिन उन्होंने तार अपने पैसों से डाले और बिजली विभाग ने क्या काम किया, उनके घरों में मीटर लगा दिए गए। मीटर से जो रीडिंग होती है उसके पैसे लिए जाते हैं, महंगी बिजली मिलती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर। अभी आपको दिखा देते हैं किस तरीके के खंभे लोगों के द्वारा गाड़े गए हैं, यानी जाहिर सी बात है भाई बिजली के तार कैसे जाएंगे। बिजली के जो तार हैं वो बड़ी मतलब गंभीर समस्या है यहाँ पर, कि बिजली के तार भी सरकार द्वारा नहीं डाले गए, यानी कि जो खंभे हैं वो सरकार ने नहीं गाड़े। सरकार खाली इतना काम करती है कि भैया हमने आपको बिजली तो दे देंगे लेकिन तार भी आप अपने लगाओ, खंभे भी आप अपने लगाओ। वाह क्या बात है जी। वोट के समय यहाँ पर वोट लिए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने जो मकान खरीदे हैं ये रजिस्ट्री ना हो। देखिए तारों की हालत देख लीजिए कितने, मतलब मेरे हिसाब से एक छोटा सा बच्चा, यानी कि 3-4 फुट का बच्चा अगर तार को पकड़ ले तो मेरे हिसाब से बिजली पकड़ लेगी उसको। कितना बुरी तरह से, मतलब कितनी गंभीर चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि बिजली पकड़ लेगी तो उसको छोड़ देगी। आप जानते हैं करंट का क्या सिस्टम होता है, और कोई बच्चा या ऐसा नहीं कि दुर्घटना नहीं हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके की परेशानियों में यहाँ पर रह रहे हैं बताइए। लोग बोल रहे हैं कि लाइट नहीं है यहाँ पर, 6-6 महीने से बिजली नहीं है, बहुत बहुत समस्या है। कई सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। खैर लोगों से अभी बात करेंगे, हम लोगों से जानेंगे, उनकी परेशानी जानेंगे, और लोग बताएंगे कि किस तरीके की समस्या उनको हो रही है। जैसे कि हम जल वाले मंदिर के पास से आ रहे हैं, हम इस वक्त में जो पुष्पा गार्डन का एरिया है, न्यू रामप्रस्थ के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि चारों तरफ दिखाएं सबसे पहले कि भीड़ कितनी है। जैसे ही लोगों को पता लगा कि हम लोग आ रहे हैं, अपनी समस्या ले लेके सारे लोग आए हुए हैं, और ऐसा नहीं कि एक आदमी की समस्या है, यहाँ पर मेरे हिसाब से लगभग सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों लोगों की समस्या है, किस तरीके की समस्या है लोगों के मुँह से ही जानेंगे। सबसे बड़ी बात तो बिजली की समस्या है, अगर बिजली आती है तो पानी आएगा, और बिजली नहीं आएगी तो लोगों के घर में पानी भी नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है कि बिजली के बिना ये लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे भी करके जुगाड़बाजी कर सोच कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि मतलब अपने पैसे खर्च कर करके यहाँ पर तार डाले हुए हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे दिखाया लोगों ने तार डाले हुए हैं। तो अब हम लोगों से ही बात करते हैं कि क्या क्या समस्या है। तो सबसे पहले किसी से भी हम बात कर लेते रैंडमली। भाई साहब बताएं आप सबसे पहले, ऐसे पकड़िए माइक को, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमर सिंह है जी। हाँ समस्या क्या है आपको? समस्या मेरा जागरण कीर्तन का काम है, रात में आ जाऊँ तो मच्छर काट काट के बुरा हाल कर दे, बिना लाइट के। लाइट की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, ना तो नींद पूरी होती ना दिन में ना रात में। रात को जाकर हूँ तो कब से लाइट नहीं आ रही है? यहाँ तो 2-3 साल से जी बिल्कुल बुरा हाल है जी। कनेक्शन के कितने पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे? कनेक्शन के कोई 30,000 मांगे हैं, कोई 40,000 मांगे हैं जी। और खंभे नहीं? खंभे तो है ना, देख लो आप, देख लो खंभे। मतलब वो कह रहे हैं कि कनेक्शन आप खाली कनेक्शन दे देंगे, तार वहाँ से लेके बड़ी दिक्कत है जी लाइट की। और फिर पानी की बहुत समस्या है जी। नहीं बिजली की समस्या है तो पानी की समस्या रहेगी। ये पहले आप अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम पिंकी है। हाँ। और मैं 6 महीने से कम से कम बगैर लाइट के रह रही हूँ। हमने अच्छा। कनेक्शन को अप्लाई करा। एरिया कौन सा पड़ता है आपका? ये है नियर गार्डन, वो पुष्पा गार्डन है। हाँ। और वार्ड नंबर 5 है। हाँ। और जलवाले गुरुजी के नाम से जाना जाता है। हाँ। तो जी मैं यहाँ से 6 महीने से बगैर लाइट के रह रही हूँ, और हमने कनेक्शन को अप्लाई करा तो उन्होंने कनेक्शन नहीं करा, हमारे कागज वापस कर। क्या बोल दिया उन्होंने? और उन्होंने क्या ये बोला कि कनेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। किस वजह से नहीं होगा? किस वजह से? ये कह रहे कि खेत पास करवाओ, कि कहीं कॉलोनी पास करवाओ, कि कहीं खेत जिनका खेत है उनको बुलवाओ, और जब जाकर होगा और खंभे नहीं आएंगे, ऐसे दुनिया की बातें कर दी। और उन्होंने पैसे भी कहा था तो हमने 30,000 रुपए उन्होंने मतलब कहा था तो हमने जमा भी करने, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। अच्छा। पहले कहा था कि पैसे इकट्ठे करो तो हमने पैसे भी इकट्ठे करे जैसे तैसे, फिर उसके बाद में हमारा कनेक्शन नहीं करा, और हम बगैर लाइट के अभी तक रह रहे हैं। हम बहुत बड़ी परेशान है, पानी को भी लाइट को भी। देखिए यहाँ पे बिजली कनेक्शन के लिए 30,000 मांगे गए, ये लोग क्योंकि मजबूर लोग हैं 30,000 रुपये देने के लिए भी तैयार हो गए। अब आप सोचिए कि मतलब 30,000 रुपये दे के हर घर में कनेक्शन के लिए तैयार हैं लोग, कितनी बुरी तरह से ये असुविधा झेल रहे हैं। खैर और भी बात करते हैं, और कौन? आइए आइए आइए, मैंने तो सारे काम करवा लिए। चलिए आप करें बात। क्या आपको क्या समस्या है? आपको नाम बताए, पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र है। जी जी जी, ये समस्या है कि यहाँ पर नहीं तो खम्मा है। हाँ। और नहीं लाइट, मतलब लाइट तो अपनी उससे ले रखी है, बांस लगा लगा के। हाँ। तार डाल के जलवाले मंदिर पे से यहाँ पे किसी से कहें
क्या भाई हमारी लाइट लगवा दो और ये हमारे लिए खम्मा लगवा दो, तो लोग कहते हैं कि इतना पैसा खर्च होगा, 1.5 लाख खर्च होगा, अगर 2 लाख रुपए खर्च होगा, इतना खर्च होगा। हम कहते हैं कि भाई चलो मजबूरी है, बच्चे हैं छोटे छोटे लोगों के, इसलिए किसी गर्मी के वजह से हम खर्च कर लेंगे, चंदा कर लेंगे इकट्ठा। भाई गरीब आदमी तो चंदी करके इकट्ठा लग सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं, कोई सुनवाई नहीं है जी, भाई कोई भी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आप बताओ क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए बताइए, आपको क्या समस्या है? लाइट की हुई है, लाइट की समस्या है। तो आप क्या मतलब, जो आपके विधायक है उनके पास नहीं गए? अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? अब पता ना, टाइम ही टाइम ही हो तो। कितने साल से आप यहाँ? तो 5-6 साल हो गए, बिगड़ लाइट के। 5-6 साल से आप रह रहे हो यहाँ पे, लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। बताइए क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, देखिए 5-6 साल हो गए हैं, 5-6 साल से ये रह रही हैं और ये बिना बिजली के यहाँ रह रही है, तो आप सोचिए कि किस तरीके से, यानी कि जो गांव होता है, गांव देहात जो होता है, अगर मैं यूपी के बहुत ही छोटे गांव देहात की बात करूँ, वहाँ पर भी ये सुविधाएँ, छोटी छोटी सुविधाएँ हैं वहाँ पर भी। और ऐसा नहीं है कि अनऑथराइज कॉलोनी की बात करें, बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनी भी हैं जहाँ पर बिजली की सुविधा वहाँ पर पहुँच चुकी है। दिल्ली के ऐसे तमाम एरिया हैं, यूपी के ऐसे तमाम एरिया हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, इसके अलावा वहाँ पे बिजली पानी की सारी की सुविधा है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। बहुत बड़ी बात है जी, कौन है? जो आपकी समस्या खुल के बोले। बिजली की, माइक थोड़ा सा अपने पास ले। बिजली की समस्या है बहुत ज्यादा है और बच्चे बीमार भी बहुत हुए अभी। बिजली की समस्या, जाहिर सी बात है, मच्छर लगेंगे। जैसे तैसे करके पानी का कनेक्शन लिया, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, पानी का कनेक्शन हो गया? कनेक्शन करवा ले, पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा, क्या बात है? 15 दिन के लगभग हो गए, पानी नहीं आ रहा। नहीं तो पानी तो तब नहीं आएगा जब लाइट ही नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा? चलो थोड़ा बहुत जैसे लाइट आ गई, थोड़ी बहुत पानी भी तो आना चाहिए ना? पानी आना चाहिए, बिल्कुल सही। आपने देखा वहाँ जाके खड्डे से, मैं क्या हालत है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो रोड तो है ही नहीं यहाँ पे, सड़क तो है। रोड भी अपने पैसे से करवा रहे हैं, अपने पैसे वाले तो कहीं बाहर जगह लेते मकान को। सही बात, क्यों रहे? नहीं बिल्कुल सही बात है, अगर पैसे वाले होते हैं तो स्टैंडर्ड जगह पे रहते हैं। आप भी बताइए। मेरा नाम अनीता है। अनीता, अनीता जी समस्या बताइए। समस्या वही लाइट की, छोटे छोटे बच्चे बिना लाइट के बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, बीमार भी, और पानी कनेक्शन करने के लिए अप्लाई भी करा, तो वो भी उस पंदर के नाम से अप्लाई भी कराए, तो नहीं मंजूर किया है, और क्या कि बाद में करेंगे। यहाँ पर मतलब जो माननीय विधायक हैं उनको सुनना चाहिए, खैर हम उनसे बात जरूर करेंगे विधायक जी से, कि भैया आप लोगों ने मतलब यहाँ पर जो वोट मांगते होंगे, जाहिर सी बात है आपको वोट देते होंगे यहाँ के भी लोग, क्षेत्रीय लोग हैं। देखिए वो कह रहे हैं सारे लोग वोट देते हैं यहाँ पे, भाजपा को ही वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर समस्या है, तो समस्या कैसे सुलझेगी, कैसे निदान होगा, यानी कि इन लोगों को मार दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बताइए इन लोगों के साथ क्या किया जाए जो जिससे कि आप सुविधा दे सके, बहुत बड़ी समस्या है जी। आप बताएं, आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, मैं विपिन मित्रा, पुष्पागढ़ जी। पाँच समस्या यहाँ सबसे बड़ी लाइट की है, सबसे बड़ी, उसके बाद तो निकास करने में हाई दिक्कत, आने जाने का रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। हम लोग आज नहीं, 6 महीने से ज्यादा हो गए पैसे इकट्ठे कर करके, बिजली घर और हमारे जो यहाँ के मौके पे प्रधान जी हैं उनसे सबसे बात कर ली, पैसे भी दिए गए, बात भी हुई, लेकिन आज तक अभी तक किसी जेई ने या SDO ने या उसके ऊपर जो भी अधिकारी होता है उन लोगों ने कोई हल नहीं निकाला इसका। कोई पैसे आज भी हम पे इकट्ठे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि आप यहाँ का 8/2024 में अभी परसों भी हमारे यहाँ से करीब 25 ले लीजिए गई थी जेई के पास, जेई ने वहाँ से धक्के मार के भगा दिया एक तरफ। और आप लोगों ने धरना वगैरह नहीं दिया? धरना क्या, अभी ले लीजिए बेचारी सीधी शादी है तो धरना धक्का क्या लगेगा, वहाँ आराम से चलिए, वो वहाँ का उनका चौकीदार ही भगा देता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, हम लोग यहाँ इतने परेशान है लाइट के बिना, और कनेक्शन के लिए 20,000-30,000 देने को भी तैयार है, फिर भी नहीं कर रहे। पुष्पेंद्र जी से 1,80,000 में प्रधान जी ने बात कराई। किससे बात हुई थी आपकी? हमारे प्रधान जी के माध्यम से, जेई से और SDO से दोनों से बात हुई थी कि यहाँ के लाइन पास करवा देते हैं और उस पैसे को आप लोग इकट्ठा करो, हम पूरी कॉलोनी में थोड़ा बहुत। पैसे किस चीज के लिए इकट्ठे करे जा रहे? रिश्वत के, खम्भे और तार के लिए। रिश्वत और खम्भे, वो रिश्वत कह लो या खम्भे तार कह लो, जो भी है, जो भी है खम्भे कह, वो कुल मिलाकर उन्होंने भाई इकट्ठे करो, हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करे और इकट्ठे करने के बाद फिर जब उन पे सूचना दिया कि हमारे कुछ पैसे तैयार है, 10-20,000 कम है, कुछ लोग गरीब भी इतने हैं कि यहाँ खाने को ठिकाना नहीं, थैली लगाते हैं, कोई कुछ करता है, कहाँ से देगा पैसे? सही बात भाई, कोई ऐसे बेचारे कूड़ा बीनते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे भी लोग निवास कर रहे हैं, 25 गज है किसी का, 20 गज है,
अब वो कहाँ से देंगे 10,000-15,000। जिन लोगों ने दिया वो इकट्ठे है, वो बात भी हुई कि यहाँ पे पैसे दिया जाए। जय का नाम बताओ ना। जय का नाम तो पुष्पेंद्र है और एसडीओ का नाम है संजय सिंह। एसडीओ का नाम संजय सिंह है। उनसे बात हुई दोनों से, उन लोगों से प्रधान जी के माध्यम से बात हुई। हाँ भी कर गए। तो ये सब चीजें देखते हुए। अच्छा हाँ भी कर गए वो। उन्होंने पहले हाँ करी तभी हमने चंदा इकट्ठा करा। उसके बावजूद भी फिर उसके बाद भी अभी कल जो है प्रधान जी से साफ मिलने कर दिया कि आप लोगों की न लाइट होगी न क्या कहता है कमे लगेंगे आप। नहीं तो रीजन कुछ बताया? रीजन कोई नहीं बताया, फोन पे बता दिया कि आप लोगों की लाइट अभी फिलहाल नहीं लगे। मौखिक बात है, ऊपर तक बात तुमने ऊपर बात पहुंचा दिया है, इस कारण अभी 1,80,000 में नहीं होगा। चलो ये सारी बातें हुई है। हम चाहते हैं सरकार से, योगी जी को भी हमने एक एप्लीकेशन दे रखी है, उसको आप जूम करके देख सकते हो, इसमें उनकी रजिस्ट्री का वो आपने बता दिया, वो जाहिर सी बात है। हाँ जी, हमने योगी जी को भी रजिस्ट्री करी है यहाँ पे, पूरी कॉलोनी का साइन तो नहीं है, हमारे 2-3 आदमियों को साइन है उसमें, और हमने दिया भी है कि हमारे यहाँ सुनवाई हो। विधायक जी को भी, विधायक जी को भी हमने लिखित पत्र दिया था, हमारे ऊर्जा मंत्री तक, पूरी कॉलोनी ऊर्जा मंत्री तक भी बात पहुँचाते हैं, जो यूपी के ऊर्जा मंत्री। खैर ऊर्जा मंत्री को हमने नहीं दिया झूठा, क्यों कोई बात नहीं, हम लोग दे देते हैं। ये चीज आप पहुँचाइए आगे, और यहाँ का विकास बाद में हो, उसके पहले खम्भा होता चाहिए, और कम से और एक गुजारिश चाहिए सबसे पहले, कम से कम यहाँ पे एक मिनट करके सुनने दीजिए। 10 मकान ऐसे बन गए हैं अभी हाल फिलहाल 6 महीने 8 महीने में 10 मकान से ज्यादा ही होंगे। वो लोग बेचारे पैसा भी दिए हैं, अभी तक कनेक्शन नहीं दिया, वो बेचारे पूरे इतनी भयंकर गर्मी जो आज नहीं तो कम से कम 6 महीने से पड़ रही है। पैसा देने के बाद भी कनेक्शन नहीं हुए, पैसे की बात होने के, पैसा नहीं लिया उन्होंने। अच्छा पैसा नहीं कहूँगा, पैसा नहीं लिया, पैसे की बात करने के बाद भी हमने इकट्ठा करा कि गर्मी में आपका कनेक्शन हो जाएगा, कम से कम 10 लोगों के मकान नए बन गए, जैसे एक सामने ये दिख रहा है, आप इसको दिखाइए। हाँ, और पीछे भी मैं कैमरा मैन से कहना चाहूंगा, दिखाऊंगा दिखाएं यहाँ पे कई सारे नए मकान बने हुए हैं, नए मकान बने, दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल नए मकान बने हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब मकान बनता है तो वहाँ पर बिजली की भी सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर पानी की भी सुविधा होनी चाहिए, लेकिन ना बिजली की सुविधा है ना पानी की सुविधा। पानी की तो सुविधा इसलिए नहीं होगी, जब बिजली की सुविधा नहीं है तो पानी कैसे आ जाएगा, बहुत बड़ी समस्या है। हम सरकार से बार बार यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हम लोगों के सबसे पहले या तो कनेक्शन दें या जल्दी से जल्दी यहाँ पे तार और खंभे लगा के हम लोग कनेक्शन कराएं। कनेक्शन कराएं जी, बहुत सबसे पहली बात है। चलिए चलिए, एस्टीमेट जमा करने के लिए हम तैयार हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एस्टीमेट जो जो भी एस्टीमेट है, जो भी पैसे लगने हैं वो हम जमा करने के लिए तैयार हैं, हर चीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सुविधा तो दे दो। यानी सुविधा ये लोग पैसे से खरीदने के लिए तैयार है, गरीब लोग हैं। आप यहाँ पर कैमरा मैन से कहना चाहूंगा, चारों ओर कैमरा दिखाएं, एक बार दिखा दें कि यहाँ पर किस तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि करोड़पति लोग हैं यहाँ पर, करोड़पति लोग यहाँ पर रह रहे हैं और पैसा पैसा खर्च करके सुविधा खरीद लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपना मतलब दिहाड़ी मजदूर यहाँ पर रहते हैं, मजदूर यहाँ पर रहते हैं। आप देखें कि मतलब समस्या खरीदने के लिए तैयार जी। आप पहले अपनी समस्या बताओ। भाई साहब ना तो यहाँ लाइट ना पानी ना कचरा, तुम बिल भेज रहे हो, मकान को बिल दे, लाइट का बिल दे। हम कहते थे हमारे बच्चे इतने पैदा कर रहे, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे, इतना अंधेरा और हम गिर गए, हमारी टांग चोट आ रही है। देते हैं आप? ले हमने नहीं दिया, लेने आए थे। अच्छा। क्यों देखा, हमारे बच्चे इतना पालतू बता रहा, कमाने ना वाला तो कोई धमाने वाला हमारे घर में, मजबूर आदमी काम है ना, इस टाइम कहाँ से कमाएंगे, बच्चा पालेंगे हम अपना पेट पालेंगे। और हमें घर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का घर, फिर भी लाइट नहीं दी हमें अभी तक। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जी, बहुत हमने फिर उसके परसों ये कहा, मोदी और योगी दोनों की तरफ बात पहुंचाएंगे अगर हम अपने पे उतर आए तो, और राज्य राज्य ने नहीं करा कनेक्शन तो बहुत एक समस्या और भी है। हमारे जो यहाँ के जो लोनी के चेयरमैन साहब हैं उनके माध्यम से लोनी नगर पालिका की तरफ से अभी यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं, ना लाइट है, ना पानी, ना नाली, ना खड़ंजा। उसके बाद भी यहाँ पे सबके घर घर का वो हाउस टैक्स और ये जो भी पानी का बिल और क्या क्या है वो 3,000-4,000 रुपए भेज दिया है, सबके घर में है भी। अब किसी घर में मौजूद है तुरंत ही ले आए, फोटो डाल देते हैं वो भी। तो हम चाहते हैं कि जब तक यहाँ जब हाउस टैक्स जैसे रसीद नहीं दिए हैं तो तब भी कहता है रसीद है या नहीं है, पर हाउस टैक्स का ही चाहिए। हमने 6 साल पहले तुम्हारा नंबर लिख गया हाउस टैक्स है। अच्छा, ये हाउस टैक्स वाले की बात मेरे से खुद होती थी। अच्छा, हाउस टैक्स ले रहे हैं। हाँ। वो लेने के लिए तैयार है। हाँ। नहीं जो एरिया पड़ता है लाल डोरा में पड़ता है, किस चीज में पड़ता है? लाल डोरा में नहीं है जी। अच्छा, ये लाल डोरा में आता है,
गांव पड़ता है। अच्छा बहटा गांव पड़ता है, बहटा गांव की जमीन है। अच्छा बहटा गांव की जमीन है, यानी कि खेती की जमीन, खेती की जमीन। हाँ, तो कितने सालों से यहाँ पर लोग रह रहे होंगे? नहीं, साल से तो 5 साल हुई हैं। अब 6 साल से इन्होंने इसका सबका हाउस टैक्स बना के दिया है। साल से हाउस टैक्स बना के दे दिया? हाँ जी। तो कब, मतलब 5-6 साल से लोग रह रहे हैं, उससे पहले से रह रहे हैं? नहीं, उससे पहले भी रह रहे हैं, 8-9 साल से भी रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग 9 साल से रह रहे हैं लगभग। अच्छा, और रोज के जो रोज मकान बनते हैं, जा सालों से रह रहे हैं। बोले बोले जी। देखिए, यहाँ पर मेरे घर को बने हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में आप जैसे कि देख ही रहे हैं, ये हमने बांस लगाए हुए, इसमें तार डाले हुए हैं, तो इसी तरह से चल रहा है। ठीक है ना, तो अभी इशू क्या है, जो नए घर बने उनमें कनेक्शन नहीं हो रहा, जिसके लिए जो भी अमाउंट मांगी गई है 15,000-20,000, वो सारे अमाउंट देने के लिए हम लोग रेडी हैं, बट स्टिल कनेक्शंस के लिए हाँ नहीं हो रही है। नहीं हो रही, ठीक है, मतलब हाँ हुई थी पहले, लेकिन अभी मना कर दिया गया क्लियरली कि नहीं हो सकता जब तक खंभे नहीं लगेंगे। अब ये बताइए कि अगर खंभे नहीं लगेंगे तो कनेक्शन मिलेगा नहीं। हमारे घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको शाम होमवर्क वगैरह करना होता है, लाइट नहीं होती है, तो किस तरह से करेंगे? छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज के टाइम में मोबाइल सबको चाहिए, मोबाइल चार्ज करने तक के लिए लाइट नहीं है, पर पानी के कनेक्शंस नहीं है। ठीक है, तो हमें पानी किससे भरना था? सबमर्सिबल से, उसके लिए भी लाइट चाहिए। तो जब लाइट ही नहीं है मेन मुद्दा, तो हम कहाँ बाकी चीजें, यानी कि हमारी जो बेसिक चीजें हैं वही कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज देखिए, हम हाउस टैक्स भरते हैं, मेरे पास बिल्स भी है, मैं वो भी शो कर दूंगी। अभी हाउस टैक्स है, बिजली सॉरी पानी का बिल है, बिजली का बिल तो हम दे, जो भी है सब कुछ है, ओके है, लेकिन उसके बावजूद उनके कहने हैं कि ये कॉलोनी पास नहीं है, यहाँ पर खंभे नहीं लगेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब कॉलोनी आसपास का जो एरिया है वो भी पास नहीं है? हाँ, मतलब वही जो बहुत सारे एरिया ऐसा है जो पास नहीं है, वो तो पूरा लोनी पास नहीं है, अनऑथराइज्ड है पूरा लोनी। यहाँ पर खंबे लगाने के लिए कॉलोनी पास नहीं है, तो फिर आप हमसे हाउस टैक्स और जो पानी का बिल है वो किस अधिकार से ले रहे हैं? उसको भी हम मना कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है वर्तिका मिश्रा। वर्तिका मिश्रा, चलिए, और कौन बोलेंगे? ये बोलेंगे मास्टर जी हमारा। अच्छा जी जी जी, ये मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नाम बताए, नाम बताए, उधर सामने देख के बात। राम किशन सक्सेना। अच्छा जी, सक्सेना जी, अपनी समस्या बताइए। समस्या यही है कि जो एक हफ्ता पहले गर्मी थी, अब उस मजबूरी क्या बताएं, इन बच्चों का क्या हाल हुआ। सही बात है, इस बार तो जून में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, मई और जून की गर्मी सोचिए। बच्चे ले ले पूरे देश, के नीचे पड़े। मैं पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, अगर ये लोग वीडियो आप लोग देखें, आप एक चीज सिर्फ इतनी इस चीज को सोचने की कोशिश करें, आप ये सोचें कि मई और जून की, यानी गाजियाबाद और दिल्ली की जो गर्मी है वो बिल्कुल बराबर होती है। इस बार 44-46 टेम्परेचर गया। आप सोचें कि 40 डिग्री के टेम्परेचर में ये लोग बिना बिजली बिना पानी के कैसे रहे होंगे, कैसे जी रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल ये निशान है, और आप लोग जरूर सोचें। बहुत बहुत अपील मैं कर रहा हूँ। हमारी सरकार का तो ध्यान ही नहीं है यहाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं। जो राज्य सरकार हमारे वोट मांगने वोट मांगने आते हैं, हमारा खंभा उधर लगा हुआ है। हमने नंद किशोर विधायक जी को बुलाया, खर्चा भी करा, आज तक तार नहीं बन रहा। पुरानी योजना में दूसरी में जीत गए, आज तक देखने नहीं आए कॉलोनी को, पूरी कॉलोनी देखने नहीं आए कि क्या मर रहे हैं, जी रहे हैं। कितनी हमारे हमारे क्षेत्र में बताओ, इन बच्चों को कैसा कैसा टाइम पास करा होगा गर्मी वाला, ये आप देखिए। और सरकार का कोई ध्यान नहीं, बिजली वाले हैं वो बिजली वालों को तो ऐसा करके चाहिए, पैसा पैसा है तो सब कुछ है, ना कुछ नहीं है। कोई नाम बताइए आप। मेरा नाम लेख राम है जी। क्या करते हैं आप? मजदूरी कर रहे हैं जी। मजदूरी करते हैं, बताइए। हमने देख के बताइए, हमने जो है फार्म भी भरा, वे देखभाल कर चले गए यार, हमारे मकान इस साइड में कहने लगे यहाँ तो ऊंचा नीचा ये वे फलानी डिग्री ऐसे कह कर चले गए, हमारी कोई सुनाई नहीं। नहीं तो ऊंचा नीचा है तो मतलब बिजली नहीं देंगे? हाँ, यही कह कर यहाँ ये कॉलोनी में नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब तरह की ऐसी बात कह कर मतलब निकल बिजली का कोई फर्क नहीं है। हमें 2013 तक, मतलब लाइन में 2013 तक रह रहे हैं, 2013 तक रह रहे हैं। आप 2013 से रह रहे हैं? बिजली नहीं है हमारे पास, यानी कि लगभग देखिए 11 साल इन लोगों को हो चुके हैं। 11 साल से बिजली नहीं है इनकी, बिजली नहीं है बिल्कुल। अच्छा, मतलब
जो 40-50 हजार रूपए दे रहे हैं उसका कनेक्शन हो गया कनेक्शन। अच्छा अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिसके यहाँ कनेक्शन हो गया, मीटर लग गया, खैर तार तो वो जल वाले मंदिर के पास से ही आ रहा है, बिजली ठीक से आ रही है उन लोगों के घरों में या बिजली तो बहुत बढ़िया आ रहा है? नहीं, बिजली ठीक आती है, 24 घंटे आ रहा है यहाँ तो, यहाँ चौबीस सुबह से नहीं आ रही है। नहीं, जिसके यहाँ मीटर लगे उनके यहाँ सुबह से नहीं आ रही है, 24 घंटे लाइट आवे, यहाँ एक दिल्ली की लाइट सुबह से लाइट नहीं आ रही है। पानी भरने घर की तो यहाँ खाली पड़ी है सब, जिनके घरों में कनेक्शन है उनके यहाँ पे बिजली भी नहीं आ रही है, ये हाल है आपके गाजियाबाद की। पानी इनकी टंकी भी खाली हो रही है, पानी तक परेशान है। नेकराम शर्मा जी, क्या करते हैं आप? लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी का काम करते हैं, क्या समस्या? मीटर लगा नहीं लगा? मीटर तो लगा है सर। मीटर तो लगा है सर। अच्छा, लेकिन पानी वही लाइट की समस्या है। अच्छा, लाइट ही नहीं आती। हाँ। मीटर लगे, लाइट नहीं आ रही है। बच्चा लिए गोदी में ये परेशान घूम रहे हैं। आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं, छोटा सा मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा गर्मी, आप सोचो कि गर्मी में ऐसे बच्चे, मतलब क्या हालत है, कितने मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को ट्रीट कर रहे हैं ये लोग। आपने कितने पैसे दिए? 15,000 रुपए दिए जब कनेक्शन हुआ। किस चीज के 15,000? किस चीज के? खाली मीटर के दिए। अच्छा, मीटर के 15,000 पहले, 4 साल पहले लिए। बहुत बढ़िया। क्या नाम है लाइनमैन का जिसने 15,000 रुपए? नाम तो मैं ध्यान में रखा है। चलिए, ये देखिए, 15,000 रुपए लेकर यहाँ पर कनेक्शन दिए गए, और जो तार है, तार आपने अपने डाला, वो 15,000 अपना डाला, उसके पैसे कितने लगे तार के? 7,000 रुपए केबल लाए खरीद। 7,000 रुपए केबल, 15,000 रुपए की रिश्वत, 22,000 रुपए आप बोल्ट कसने के, चाय पिलाई। आप अवगत करिए, देखिए, पैर छुएंगे आपके, आवाभगत करेंगे, सब चीज करेंगे। गरीब जो है, गरीब आपको वोट देता है, सब कुछ आपके लिए करता है, हर चीज करेगा, आपके पैर भी छुएगा, और सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीटर भी लगा, 22,500 रुपए देकर मीटर भी लगा। हमारा मीटर लगा दो, रिक्वेस्ट करी बहुत, रिक्वेस्ट कर, पैसे दे के भी, जब कहीं 2 महीने बाद लगा पैसे दे, 2 महीने बाद लगा। आपका 6 महीने बाद? 6 महीने बाद। अच्छा, और बच्चा परेशान के बाहर रोड पर लेट रहे, कीड़े लग रहे सब, ये वाले उनके सामने बच्चा लगा लेट रहे साहब, यहाँ पर निकल रहे हैं कीड़े मकड़े, फिर वो तो ठीक है क्योंकि सड़क ही नहीं है। मैं कहना चाहूँ कैमरामैन से थोड़ा सा सड़क का भी दिखा दे जी, जी। इसकी हो जाएगी मान लो लाइट की, तो ये मैं पानी की, नाली की पानी, देखिए कोई बात नहीं, आपकी जब बिजली की सुविधा आ जाएगी बाकी और भी सुविधा आएंगी। हाँ, तो, जाहिर सी बात है। हाँ, कि जो एरिया है अभी तक जो एरिया है आपका, ये पूरी तरह से एकदम अपेक्षित एरिया है, यहाँ पर कोई देखने नहीं आता, बहुत जरूरी है यहाँ पर आए जो विधायक हैं, विधायक जी आए एक बारी जरा एरिया का निरीक्षण करें, और इसके अलावा अगर हो सके तो ऊर्जा मंत्री जी ये वीडियो को जरूर देखें कि किस तरीके की समस्या हैं। इसके अलावा जो यूपी सरकार दावा करती है कि हमने हर घर के लिए सड़क दी है, हर घर के लिए सुविधाएं दी हैं, तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें और सोचें कि क्या सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिली हुई हैं। इतना पानी भर जाता है, बहुत जरूरी है, बारिश आती है यहाँ पर कोई पानी की निकासी नहीं, पानी की निकासी तो तब होगी जब नालियाँ बनी होंगी। हर तरीके की असुविधा इस क्षेत्र में है, और क्षेत्र ऐसा नहीं कि दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, महज 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली है। यहाँ पर लोनी का एरिया पड़ता है, लोनी, पूरे लोनी की मैं बात करूँ, पूरे लोनी में अगर सड़क भी देखेंगे तो टूटी फूटी सड़कें हैं, पूरे लोनी की मैं बात कर रहा हूँ, एक रामप्रस्थ के, न्यू रामप्रस्थ के एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो ये पुष्पा गार्डन के एरिया है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे लोनी की बात कर रहा हूँ। पूरे लोनी में असुविधाएँ यहाँ पर हैं, कि बोलते बोलते भी, क्योंकि जिस तरीके की असुविधाएँ यहाँ पर हैं, मैं 1 घंटे भी बात करूँगा तो भी यहाँ पर समस्या नहीं सुधरने वाली है। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि यूपी गवर्नमेंट यहाँ पर देखे, ये लोग इस वक्त वोट का बहिष्कार करने तक के लिए तैयार हैं जी। आप कोई बताइए, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हमें 5 साल हो गई रहते हुए, पर कोई सुविधा नहीं आ रही, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और हम भी मतलब सभी लोग परेशान हैं। प्रेमवती नाम है। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो करते हैं स्पार्किंग में, ऐसे ही हेल्परी वगैरह करते हैं, 11,000 की नौकरी।
11,000। आप सोचें 11,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, 15,000 रुपए रिश्वत दे रहे हैं, 500 रुपए मीटर जो आ रहा है वो पेज कस रहा है 500 रुपए उसको दे रहे हैं, 7,000 रुपए का तार खींच रहे हैं, 22,500 रुपए देने के बाद भी इनको सुविधा नहीं मिल रही। इसके अलावा फिर उसके बाद में महीने में इनसे कुछ और पैसे की डिमांड की जाती है, पानी नहीं दिया जाता है। आप सोचे 11,000 रुपए में क्या कर लेगा इंसान। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी तरीके के हैं, किसी की 11,000 सैलरी, किसी की 10,000 सैलरी, किसी की 5,000 रुपए सैलरी है, किसी की 15,000, 20,000, 25,000, इससे ज्यादा के लोग नहीं है यहाँ पर। आप 25 वाले भी बहुत कुछ बोलो, किसी से, किसी प्रधान से या किसी मतलब डील किसी से भी बोलो तो ये बोलते हैं यहाँ पे मतलब अभी बसावट नहीं है, घर नहीं बने हैं। अब आप उधर चल के देखो कितने सारे मकान बने हैं, सारे मकान बने हुए हैं यहाँ पे, और एक मकान जब भी कोई मतलब सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। हम इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ नहीं जाते हैं तो सभी लोग दिक्कत पड़ते हैं। नाम बताया, मकान मिल गया। नीता, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? अरे ड्राइवरी लाइन में है। अच्छा अच्छा। और साल भर से मैं रह रही हूँ, और जो है कि 20-25,000 बताओ कनेक्शन के लिए लिया जा रहा है, तो कहाँ से हम लोग देंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। और क्या, इतनी बिगर पानी पत्ता बिगर लाइट से रह रही हैं। बिना लाइट के कैसे रहेंगे? पानी भर भर का ले हम लोग जा बस। देखिए लोगों की आंखों में आंसू हैं, और हमारे आने से यहाँ पर एक उम्मीद भी है कि यहाँ पर जो समस्या है हो सकता है कि हमारे यहाँ आने से सुधर जाए, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर असुविधा हो रही है मुझे नहीं लगता कि जल्दी से ये समस्या सुधरने वाली है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम धरने देने के लिए भी तैयार हैं, घेराव करने के लिए भी तैयार हैं। अगर देखिए हल्ला मचाकर घेराव करके अगर ये समस्या हमारा समाधान हो सकता है, हम वो सब करने के लिए तैयार है। जब लोग पैसे देने के लिए तैयार है तो सब चीज़ करने के लिए तैयार। खैर अभी मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा, बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो खैर इस चीज़ को हम यहीं पे थोड़ा सा समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जनप्रतिनिधि से कहना चाहेंगे, जो विधायक है उनसे कहना चाहेंगे, भाजपा की सरकार से कहना चाहेंगे कि लोगों की जो लोग हैं उनकी समस्या को सुने, लोगों की समस्या को देखें, इन लोगों को धमकाएं नहीं। आप ही के वोटर हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं, इंसान हैं, इंसानियत के नाते आप इन लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश करें। बहुत सारी समस्या है, और पूरे देश से मैं कहना चाहूँगा, देश देखे इस चीज़ को, पूरा देश देखे कितनी बुरी समस्याओं में यहाँ पर जी रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा गाँव देहात का एरिया है, जी नहीं, ये लोनी का एरिया है, दिल्ली से महज 5-7 किलोमीटर का एरिया है, नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR का एरिया है, NCR में आता है, उसके बाद भी यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल असुविधाओं में यहाँ पर लोग जी रहे हैं। यहाँ पर अभी बारिश हो गई, अगर 5 मिनट ये बारिश पड़ी तो पूरा पानी भर जाएगा, हमारी निकलने यहाँ पर दुश्वार हो जाएगा। इतनी बुरी समस्याओं में यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं, बड़ा अचंभित है। मैं कहना चाहूँगा देश के लोग यहाँ पर देखें। आप कहेंगे कि देश के लोग क्यों आएंगे, भैया असुविधा तो आपको भी हो सकती है, आप चाहे कहीं के भी रहने वाले, तो अगर आप लोग इन लोगों की आवाज़ नहीं बनेंगे तो आप सोच लीजिए कि आपकी आवाज़ भी कोई नहीं बनेगा। तो इन लोगों की सबसे बड़ी बात है कि आप आवाज़ बने, इन लोगों की आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएँ, प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाएँ, ऊर्जा मंत्री तक पहुँचाएँ। इसके अलावा यहाँ पर जो सड़कों का बुरा हाल है, पानी की समस्या है, वो सारी की सारी समस्याओं को दिखाएँ। और मैं अपने जो मीडिया, मेरे मीडिया के जो दोस्त हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आप लोग भी इधर आएँ और इन लोगों की जो समस्याएँ हैं, इन लोगों की समस्याएँ देखें। आप लोग भी कोशिश करें कि इन लोगों की समस्याओं से निदान मिले। मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र जी हैं, और सुरेंद्र जी वो हैं जहाँ पर इन्होंने ये प्लॉट वगैरह आप लोगों ने करवाए हैं, तो इनको सारी जानकारी है, इनसे भी हम पूछताछ करेंगे कि मतलब यहाँ पर जो बिजली नहीं मिल रही है उसका कारण क्या है। सुरेंद्र जी, जो बिजली नहीं मिल रही है, या फिर EXN या आपके जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो मना कर देते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं आएगी, जबकि जो रजिस्ट्री है वो पक्की होती है, पक्की रजिस्ट्री होती है, उसके पैसे जाते हैं, बैनामा पूरा होता है, सब चीज़ पक्का होता है, प्लॉट का बैनामा होता है सारा, जब प्लॉट पे मकान भी बनेगा, तो फिर जब मकान बन जाता है तो बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? ये थोड़ी सी बिजली विभाग की कमी है। अच्छा, अब ये जितने पुराने मीटर लग रहे हैं, हाँ, हाँ। उनसे सबसे ये किराया भी ले रहे हैं, और हाँ। अपना रीडिंग का पैसा भी ले रहे हैं, और फिर भी इन्हें मतलब ना लाइन दे रहे, ना खम्बे दे रहे, ये लेने जाते हैं तो किसी तरह 20,000 की डिमांड करते हैं, किसी तरह 50,000 की डिमांड करते हैं। अच्छा, हम भी गए, हमारे से भी उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए मांगे इसमें, खम्बे डालने के, वो डालने के, पैसों का इंतजाम भी किया कॉलोनी वालों ने, उसके बाद गए तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर ही मना कर दिया। अच्छा, कि भाई हम उधर ना खंबे काट देंगे और ना ही हम उधर केबल डाल देंगे। नहीं, तो जब रीजन पूछा आप लोगों ने तो क्या जवाब देते हैं? वो बोलते हैं कॉलोनी रजिस्टर्ड कराओ, कॉलोनी तो मेरे ख्याल से बैठा के रकबे में कोई रजिस्टर्ड है ही नहीं,
कोई नहीं, पूरे लोनी में रजिस्टर्ड नहीं, लेकिन ये लोग कहाँ से रजिस्टर्ड करा लेंगे, हम कहाँ से रजिस्टर्ड करा लेंगे इसे? तो या तो इसको कौन कराएगा रजिस्टर्ड? इसको रजिस्टर्ड तो देखो जी सरकार कराएगी, या फिर जिन्होंने कॉलोनी काटी है वो प्रयास करे, कॉलोनी काटने वाले अपना बेच के निकल गए यहाँ से। अच्छा, अब कौन करेगा? अब ये जनता ही करा सकते है, जो भी कराओगे आप लोग करा सकते हो। चलिए, अब आपने सुना होगा कि मतलब बिजली विभाग क्या कह रहा है कि जो कॉलोनी है वो अनाधिकृत है, जबकि बैनामा हो रहा है, बैनामा का ये रजिस्ट्री का पूरा पैसा ये लोग चुका रहे हैं, इसके अलावा हाउस टैक्स ये लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी जो सुविधाएं यहाँ नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, बिजली नहीं है, वो सारी समस्याएं यहाँ पर हैं। फिर समझ नहीं आता कि फिर हाउस टैक्स किस चीज़ का लिया जा रहा है, और अगर किसी किसी के यहाँ पर मीटर भी लगे हैं कि किसी ने पैसे देके जैसे लगवाए हैं, उनके यहाँ जो मीटर लगे हैं उन्होंने तार बेचारों ने कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 400-500 मीटर तो तार उन्होंने खींचा है, फिर 7-8 हज़ार रुपये का वो बिजली का तार खरीद रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपये की रिश्वत दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। इतनी सारी समस्याएँ हैं इस क्षेत्र में, और मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस चीज़ को देखना होगा, सोचना होगा, चिंतन करना होगा कि ऐसी जगह पर लोग रह रहे रहने को मजबूर हैं, और ये लोग ऐसा नहीं है कि ये किसी और के वोटर हैं, आप ही के वोटर हैं, हो सकता है किसी और पार्टी को भी वोट देते हो, लेकिन अधिकार क्षेत्र तो आप ही का है, तो जाहिर सी बात है समस्या का समाधान और तो कोई आकर करेगा नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो समस्या का समाधान करेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश का एरिया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इसका समाधान करेंगे। तो ज़रूरी है ऊर्जा मंत्री इस खबर को ज़रूर देखें और इन लोगों की समस्या का समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करें। आपको क्या समस्या है? जो तारों के गुच्छे हैं ये ठीक नहीं होते, आपने हमने बहुत शिकायत कर ली, शिकायत की है, विधायक जी को भी बुला के दिखा दिया जी, 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 जी। और सभी को दिखा दिया, और बिजली वाले आते हैं और ये तार सारी गलियों के बदल गए, हमारे तार नहीं बदले, आपके तार नहीं बदले, नहीं बदले जा रहे, तो, और ना ही कोई हमारा सुन रहा है। यहाँ पर कोई बोल रहा था कि जो खंबे हैं, खंबे भी आपने अपने पैसे से लगवाए हैं? किसी टाइम में लगवाए पैसे से अपने। अच्छा अच्छा, उस टाइम अपने पैसे से लगाए थे, अब से सन 2000 में। अच्छा, सन 2000 में अपने पैसा से लगाए, तार अपने पैसा डाली, लेकिन कोई अब कोई मिल जाता है, कोई सुनवाई, खाली पैसे ले रहे हैं, इसके अलावा कोई सुनवाई मिल जाता है बस, और कुछ। चलिए चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो समस्या है किस तरीके की समस्या है। मैं कैमरामैन से दोबारा कहूँगा कि एक बार ये तारों के गुच्छे को दिखाए, यहाँ पर किस तरीके के तार एकदम गुच्छे में हैं, और ऐसा नहीं कि देखिए बिजली है, स्पार्किंग होती है, कभी भी स्पार्किंग हो सकती है, बारिश का मौसम है, अगर स्पार्किंग होती है तो देखिए गली का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि गलियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दोनों 8-9 फुट की गलियाँ हैं, घर हैं, चारों ओर घर बने हुए हैं, अगर जरा भी कोई स्पार्किंग होती है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो जो ये तार हैं खुले तार, कितनी बुरी तरह से ये तार देखिए गुच्छे में हैं, हादसे को दावत दे रहे हैं, और खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि कोई हादसा हो तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? बिजली विभाग की, यहाँ के रहने वाले लोगों की, गरीब लोग हैं, कैसे कैसे करके मकान बनाया है, और यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। तो आप सोचें कि मतलब सुविधाओं के नाम पे इन लोगों के साथ में धोखेबाजी हो रही है। धोखेबाजी इसलिए कहूँगा कि ये लोग बिजली का बाकायदा मीटर की जो रीडिंग होती है उसका पैसा देते हैं, पैसा चुकाते हैं, हर महीने बिजली का बिल देते हैं, और जो यूपी में बिजली है वो लगभग 6 रुपये यूनिट के आसपास है, 8 रुपये करीब यूनिट, 8 रुपये यूनिट है, 8 रुपये यूनिट, यानी कि 4-5 हज़ार रुपये का महीने का बिजली का बिल कम से कम आता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ 4-5 हज़ार रुपये का बिजली का बिल हर घर वाला दे रहा है, उसके बावजूद भी जो सुविधाएं हैं आप देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री इस चीज़ को ज़रूर देखें, जो तार हैं यहाँ पर किस तरीके से बिछे हुए हैं, तारों का गुच्छा किस तरीके से है, अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी बनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। सभी लोग देखें, क्योंकि जो वीडियो है ऐसा तो नहीं है कि लोनी गाजियाबाद तक सीमित रहने वाली है, पूरे देश में जाएगी, पूरे देश के लोग ऐसी चीज़ें ज़रूर देखें। जो कहते हैं कि यूपी में बहुत सारा विकास है, तो यूपी का विकास मैं आज दिखा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, और यूपी का विकास चिल्ला चिल्ला कर खंबे से बोल रहा है। दोबारा कैमरामैन दिखा दें, यूपी का विकास दिखा दें, देखिए खंबे से चिल्ला चिल्ला कर यूपी का विकास बोल रहा है, बहुत ज़रूरी है ये दिखाना। वीडियो देखें और इस चीज़ पर चिंतन करें, बहुत ज़रूरी है चिंतन करना। मैं मनीष कुमार लोनी से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद।